हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोलेनाथ के भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए अनेक पूजा उपासना तथा अनेक प्रकार से उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, परंतु महादेव उन्हीं भक्तों के सुनते हैं जो कि उनके सबसे करीब और प्रिय माने जाते हैं। ऐसे में 21 फरवरी 2020 को महाशिवरात्रि के दिन 6 राशि वाले जातकों की रातों रात किस्मत चमकने वाली है, और ऐसा शुभ संयोग और ऐसा महाशिवरात्रि पूरे 117 सालों के बाद फिर से आया हुआ है, जिसकी वजह से 6 राशियों की रातों रात किस्मत चमकने वाली है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, शास्त्रों में महाशिवरात्रि पर्व बेहद ही खास और शिव भक्ति के लिए बहुत अधिक मायने रखता है। यह पर्व भारत में मनाए जाने वाले सभी बड़े पर्वों में से एक है। इस दिन शिव भक्ति शिव मंदिरों में महादेव की आराधना और जलाभिषेक करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। साल 2020 में महाशिवरात्रि 21 फरवरी को है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस साल महाशिवरात्रि पर 29 सालों के बाद शनि मकर राशि में होंगे, जिस कारण सस योग का निर्माण होगा। तो वहीं 117 सालों के बाद शनि और शुक्र का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, और इस संयोग की वजह से शिव पूजा बेहद ही लाभकारी रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियों के लिए यह शिवरात्रि खुशियां और धन लाभ का योग लेकर आ रही हैं। आइए जानते हैं इन लकी राशि वाले जातकों के। सबसे पहले वृषभ राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महाशिवरात्रि बहुत ही लाभप्रद रहेंगे। इस दौरान महादेव की कृपा से आपको खूब तरक्की और आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपको कार्यों में सफलता मिलेंगे। शिवरात्रि के दौरान महादेव को प्रसन्न करने के लिए आप बेलपत्र को अवश्य चढ़ाएं। मित्रों, दूसरी सबसे बड़ी और सबसे लकी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाली महाशिवरात्रि आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहेंगे। महाशिवरात्रि पर बनने वाले इन शुभ योगों के में आपको धन में वृद्धि और व्यवसाय में लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा जातकों को भी इस समय कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। मित्रों, अगली राशि है कुंभ राशि। 21 फरवरी महाशिवरात्रि पर बन रहे इस सब संयोग के प्रभाव से कुंभ राशि के लाभ मिलने के योग हैं, तथा कुंभ राशि के लोगों को अचानक से धन प्राप्ति और धन के आगमन के नए स्रोत मिलने की संभावना है। महाशिवरात्रि की कृपा से, महादेव की कृपा से जीवन में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वहीं यह समय आपकी लव लाइफ में भी रोमांस बढ़ाने वाला होगा। मित्रों, अगली जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों को इस शिवरात्रि में उन भाग्यशाली राशियों में से शामिल है जिन्हें महादेव की कृपा प्राप्त होने जा रही हैं। घर के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, जो काम करने की सोच रहे थे उनको पूरा करने में, आपको उनकी तरक्की दिलाने में काफी अच्छे और सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो सकेंगे, तथा आने वाले समय में आपको लव लाइफ में कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। तुला राशि के जातकों को इस बार की महाशिवरात्रि सकारात्मक परिणाम और व्यापार में धन लाभ के योग भी बनाएंगे। मित्रों, अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए यह शिवरात्रि बेहद ही खास होने वाली है। इस दौरान आपको अपने द्वारा किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होंगे। घर परिवार में चल रही परेशानियां समाप्त होंगे। मकर और शुक्र के प्रभाव से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, और यह समय आपके सफलता के कई मार्ग खुलने की ओर भी शुभ संकेत दे रहा है।
मित्रों अगली जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि है जो कि महाशिवरात्रि में काफ़ी लकी रहने वाली हैं। आने वाले समय में शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए शुभ संकेत मिलेंगे। घर जीवन में नई खुशियों के संकेत हैं और जातक जिनकी लव लाइफ में परेशानियां चल रही थीं उनकी परेशानियां दूर होंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। बेरोजगार चल रहे जातकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों अगली और आखिरी राशि वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए आने वाली महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ रहेंगे तथा इस राशि के जातकों को महाशिवरात्रि में धन लाभ होंगे। वे जातक जो अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छे सुनहरे दिनों में से एक नया व्यापार के फलने फूलने का उपाय बताएगा। मित्रों आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी।